कुछ ऑनरेबल मेंबर्स रह गए हैं तो 10 मिनट इसको बढ़ाया जाता है। जी मोहतरम जनाब शेख इम्तियाज साहब, शेख इम्तियाज साहब जी, माइक ऑन करें। आप साथ वाले में आ जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर हम सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये बजट जो है ये इस असम्बली में तैयार नहीं किया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये किताबों का वजन 3 किलो है, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है ये तकरीबन 9 किलो है। और ना बजट बनाने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ना बजट पढ़ाने वाले दिखाई दे रहे हैं, और ना ही काबीना यहाँ पे नज़र आ रही है। बड़े अफसोस की बात है। वैसे इंशाल्लाह ताला जो मेरा चेयरमैन हकीकी आज़ादी की बात करता है तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये असम्बली खुद बजट बनाएगी और आवाम के लिए बनाएगी, ना कि ब्यूरोक्रेसी के लिए बजट बनाएगी। बजट में मैं एक चीज़ पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, 1 अरब रुपया वाईफाई के लिए रखा। वो हुकूमत जो इंटरनेट बंद करने में, उसने वाईफाई के लिए 1 अरब रख दिया। बहुत अच्छी बात है, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर मिनिस्टर साहब तवज्जो दें मेरी तरफ, 1 अरब को 50-50 करोड़ दो हिस्सों में तकसीम कर दें। 50 करोड़ फ्री वाईफाई के लिए और 50 करोड़ वीपीएन के लिए कर दें। क्योंकि आप खुद तो वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर लेंगे, बेचारे नौजवान जो हैं वीपीएन बहुत महंगा है, वो ये इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेंगे, ये आपकी फैसिलिटी जो है। मैं अभी देख रहा था कि हमारे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो कैमरे को ऐसे सेट किया जा रहा था कि इमरान खान की तस्वीर ना आ जाए। मेरा एक भाई लेकर तस्वीर इधर जाता था, कोई ले कर इधर जाता था। तो जनाब स्पीकर, क्या इस तरह करने से, इमरान खान की तस्वीर हटाने से 7 करोड़ नौजवानों के दिलों पे जो तस्वीर छप चुकी है, क्या उसको आप मिटा लेंगे? आपने देखा जो 2/3 अक्सरियत हमें कौमी असेंबली में दी गई, 2/3 अक्सरियत हमें यहां दी गई, क्या आप ख्वातीन मजदूर और जो लोग पनागाहों में सोते थे, जो हेल्थ कार्ड से इलाज कराते थे, उनके दिलों पे इमरान खान छप चुकी है? आप कुछ भी कर लें, आप इंशाल्लाह ताला इमरान खान की तस्वीर जो है वो नहीं हटा सकेंगे। जनाब स्पीकर, आप आज ऑर्डर ऑफ द हाउस, खास तौर पे ये लफ्ज मैंने अपोजिशन के लिए देखा, आपने ज्यादा ये लफ्ज अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपने ट्रेजरी बेंचेस के लिए जो है 50 से ज्यादा दफा इस्तेमाल किया है। जनाब स्पीकर, आप इधर ऑर्डर ऑफ द हाउस ना किया करें, आप सिर्फ यहां ये कह दिया करें कि चुप कर जा, तेरी गिनती करा देंगा, फिर देखें कैसी खामोशी होती। जनाब स्पीकर, अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम आप 5 मिनट देते हैं, 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। 165 अरब रुपया आप लोगों ने रखा पुलिस के लिए। मैं ये कहता हूं कि पुलिस को पैसे देने चाहिए कि इनसे ठेका लेना चाहिए? आप अगर पिछले 2018-19 माह में देखें कि क्या हुआ, क्या मेरा दिल, जाई सेवान का दिल करेगा कि एक बच्चे को 25 मई 2021 को रावी के पुल से नीचे गिराया पुलिस वालों ने सबके सामने? क्या आपका दिल करता है कि इस ग्रांट को मंजूर किया जाए?
आप देखें माल रोड पे वो रमन जुलूस की जाते हुए गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, क्या इस ऐवान का दिल करेगा कि पुरमन शहरियों के गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले लोगों को कोई ग्रांट दी जाए? इस ऐवान के मौजूद मेंबर जनाब स्पीकर साहब, हमारा एक कारकुन जिले शाह स्पेशल चाइल्ड मासूम बच्चा, उसका कत्ल कर दिया गया, इन लोगों ने इनको कत्ल कर दिया गया, क्या इस ऐवान का दिल चाहेगा? बड़े अफसोस की बात है आप इनको ये जो आपने आप बात करें, अच्छा आप जारी आप इनको चुप कराएंगे आप फिर आपने कहना 5 मिनट हो गए जी। जिले शाह को शहीद किया गया ये सबको पता है, मैं रोजाना वीडियो देखता हूँ, खवातीन आटे की लाइनों में लगी हुई हैं, उनको पुलिस मार रही है वैश्यों की तरह, क्या हमारा दिल करेगा कि हम इनको कोई ग्रांट दे? मैं खुद अभी 10 मार्च की बात करूंगा, अभी 10 मार्च में पुरमन रैलियां निकल रही हैं, 6 FIR दर्ज हुई हैं, वजीर आला साहबा ने यहां पे आके एक गुड गेस्टर दिया, काश ये वाकई कुछ गेस्टर होता ना के मुनाफकत होती, उसी के अगले इतवार जब रैलियां निकली गई उन पर तशद्दुद किया गया, शेख साहब वाइंड अप करें, उन पे तशद्दुद किया गया, 6 FIR हमारे MPS, हमारे MPS उनसे पिस्तौल बरामद किया गया, उन्होंने उन पे गाड़ियां तोड़े, गाड़ियां जलाने, वर्दियां फाड़ने का इल्जाम लगाया गया। मुझे ये ऐवान जो लाहौर के चप्पे चप्पे पे कहते हैं जी कैमरे लगे हुए हैं, मुझे वो कैमरे की फुटेज ला के दे जिसमें बहुत शुक्रिया जी। जनाब मोहतरम जनाब सजाद वड़ाई साहब, सर आप 7 मिनट ले चुके हैं, आप देखें 7 मिनट ले चुके हैं सर, अगर आप इर्द गिर्द की बातें ना करते तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, सफिशियंट है, आधा मिनट जी। पट्टे उतारे गए, घरों में बगैर वारंट घुसे गए, आपने अगर बजट देना तो जरूर दे लेकिन इनको पाबंद कर दे कि चादर चार दीवारी का तहफ्फुज अगर इन्होंने पमाल किया तो यह किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि सर आज अगर तई बार आज इधर है तो कल उधर कोई होगी, सर अगर आज इधर कोई शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया शेख साहब जी। मोहतरम जनाब सजाद बड़ाई साहब प्लीज जी, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर साहब, आज बजट का इजलास है और बारी आखिर में आनी थी, मुझे पता था इस बात का, इसलिए कि मेरा जिस हलके से ताल्लुक़ है वो बिल्कुल आखिरी टेल पे है,